सो व्हाट इज अप गाइस, यू आर वाचिंग टेक गुरु विशाल, मेरा नाम है विशाल नागपाल। सो गाइस, आज की वीडियो में लेके आया हूं Vivo Y30 की अनबॉक्सिंग, जो आप देख रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पूरी देखना और चलते हैं अपने अनबॉक्सिंग की तरफ। सो गाइस, ये रहा हमारा Y30 Vivo का 4GB 128GB वाला वेरिएंट। पर अनबॉक्सिंग से पहले एक बात कर ली जाए, आप ये देख सकते हैं Vivo IPL Vivo टाइटल स्पॉन्सर। अब हंसी तो सबको आ रही होगी कि क्या चीज है टाइटल स्पॉन्सर, Vivo वालों को धोखा दे दिया IPL ने। पर हमें पता है क्यों कर रहा है, एंटी चाइना को लेके हम इनिशिएटिव करना है। पर अब बात करते हैं इसके बेसिक के बारे में। आई व्यू डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, कोड कैमरा AL का देखने को, और 5000 की एक बड़ी बैटरी आपको देखने को मिल जाती है। और इसका कलर आता है हमारा एंड्रेमल ब्लैक, पता नहीं देखते क्या होता है। मैंने सील ब्रेक पहले कर चुका हूँ इसकी टेस्टिंग के लिए, तो मैं डायरेक्टली इसको फटाफट खोल लेता हूँ। ये खुल चुका है, खुलने के बाद कुछ ये ऐसा दिखता है। इधर Vivo की ब्रांडिंग है और ये एक क्विक सेक्शन है जिसको हम खोलेंगे। और ये सिंपल सा हमें पता है क्या होता है इसके अंदर, इसमें कुछ नहीं होगा। सेम इजेक्टर टूल है और वही कुछ पुस्तक है जो हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और एक एक नॉर्मल सा सिंपल सा कवर है। और इसके बाद हमारा फोन आता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। और मैंने फोन फटाफट पहले इधर से निकाल लिया और इसका फर्स्ट लुक एंड फर्स्ट इम्प्रेशन देख सकते हैं, ये ऐसा है। इसके बारे में आगे पूरी जानकारी मिलेगी। और इसके अंदर आपको एक नॉर्मल चार्जर देखने को मिल जाता है 10 वोल्ट का, 10 वोल्ट का चार्जर के साथ साथ इसके अंदर यूएसबी टाइप सी, यूएसबी ए टू टाइप सी केबल देखने को मिल जाती है, जो काफी अच्छी बात है। अब इन सबको साइड करते हैं और इसके बारे में हम मेन बात करते हैं। सो गाइस, ये है हमारा मेन फोन और अब इसके बारे में जानेंगे क्या क्या बात है। पहले बात करते हैं कैमरा के बारे में। तो कैमरा हमें इसके अंदर फर्स्ट कैमरा 13 मेगापिक्सल का डेप्थ मेन कैमरा, और सेकेंड 8 मेगापिक्सल का, और दूसरा है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, और साइड में जो छोटा सा आपको दिख रहा है ये 2 मेगापिक्सल का बोके लेंस, और यहाँ पे एक फ्लैश लाइट, और साथ में आप देख सकते हैं ये जिस पर लाइट आ रही है वो है फिंगरप्रिंट सेंसर। और यहाँ पे बहुत बड़ी Vivo की ब्रांडिंग, हालांकि छोटी होनी चाहिए। और इसका छूते बड़ा मजेदार लग रहा है, मतलब ये पॉलीकार्बोनेटेड फिनिश है, इसके अंदर पॉलीकार्बोनेटेड बैक है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था स्टार्टिंग में। और नीचे आपके नीचे की बात करते हैं तो इसमें गड्ढे आपको टाइप सी पोर्ट, और साथ में प्राइमरी माइक्रोफोन जो एक ही है, और साइड में सबसे मेन बात जो फोन में देखने को नहीं मिलता है 3.5mm जैक और एक स्पीकर ग्रिल। साइड में बात करते हैं तो वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन आपको देखने को मिल जाता है और पावर बटन देखने को मिल जाता है। इस साइड कुछ नहीं है, एक सिर्फ सिम इंसर्टर है, और ऊपर कुछ नहीं है, माला खाली है ऊपर का। और आगे आपको एक स्मॉल स्पीकर तो मिलता है, इसमें डॉबली सिस्टम है, इसमें स्टीरियो इफेक्ट मिलेगा। और आगे आपको एक फ्रंट कैमरा मिलेगा जो है 8 मेगापिक्सल का। और आगे बात करते हैं इसके फीचर के बारे में। गाइस, इसके अंदर हमने Among Us खेलने की कोशिश करी और इसके अंदर काफी अच्छा गेमिंग टर्बो बोर्ड देखने को मिल रहा है। खेलने की कोशिश करेंगे, ट्राई करते हैं, देखते हैं कोई गेम वेम मिलती है। मिल तो चुकी है गाइस, खेल के देखते हैं क्या है। वैसे देखा जाए तो इसके ग्राफिक्स वगैरह तो सही लग रहे हैं, थोड़ी बहुत हमेशा की तरह मैं इम्पोस्टर नहीं हूं, ये ऐसे ही होता है मेरे साथ, मैं कभी भी इम्पोस्टर नहीं बनता। वैसे आप स्क्रीन क्वालिटी की बात करें तो आई व्यू डिस्प्ले है तो काफी अच्छी लग रही है, और गेमिंग खेलने में भी काफी फास्ट और क्विक आपको इसके अंदर एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, मैं फिजिकोर के बारे में तो जानकारी दे चुका हूँ, पर मैं बताना चाहता हूँ बड़ा मजेदार लग रहा है, ऐसे ऐसे करते हैं पॉलीकार्बोनेट फिनिश है। पर मैं एक चीज बताना भूल गया था तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसमें Vivo वालों ने दावा करा कि इसमें 90.7% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, मतलब इसमें आप बेजल्स भी देखोगे ना तो इतने मतलब कम दिख रहे हैं कि इसकी चिन मेरे को थोड़ी सी ज्यादा लगी वैसे देखने में, पर काफी सही है इसके बेजल्स। सो होप सो गाइस, आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो पसंद आती है लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो, बता दो वीडियो कैसी है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरी वीडियोस को देखते रहो और सेफ रहो कोरोना से।